हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेट। फ्रेंड्स, कई बार हमारी बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर होने के कारण यूरिनरी ब्लैडर को बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है और दोस्तों इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर रहता है। तो दोस्तों प्रॉब्लम आती है जब हमारी बॉडी से यूरिनरी ब्लैडर को जब बाहर निकाल देंगे तो यूरिन कहाँ स्टोर होगा। तो दोस्तों इसके लिए डॉक्टर एक ऑपरेशन करके और हमारी ये जो टमी है, एब्डोमिनल बाल है, यहाँ पर एक होल बना करके यूरिन इस होल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो लेकिन दोस्तों ऐसे तो यूरिन का होल अगर जब बाहर बना दिया तो अब वहाँ यूरिन किस में स्टोर होगा बात यह आती है। तो उसके लिए एक बैग आता है जिसको स्ट्रोमा बैग कहते हैं, यूरोस्टोमी बैग कहते हैं। तो वो बैग यहाँ पर एक फिट हो जाता है। तो दोस्तों अभी मैं डिटेल्स में आपको सारी कुछ इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसा यूरोस्टोमी बैग होता है और कितनी तरह का यूरोस्टोमी बैग होता है और कितने दिन बाद इस बैग को चेंज करना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, यानी कि सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो में मैं यूरोस्टोमी बैग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आप शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, ये यूरोस्टोमी बैग कई कंपनियों के आते हैं मार्केट में, जैसे कि कोलोप्लास्ट कंपनी के आते हैं, इसके अलावा हॉलिस्टर कंपनी के आते हैं और मेडिफिल्स कंपनी के भी आते हैं, तो और भी कई कंपनियों के आते हैं। लेकिन यहाँ जो आज जिस कंपनी जो मेरे पास बैग है वो हॉलिस्टर कंपनी का है और मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। दोस्तों ये बैग दो तरह के आते हैं, एक तो टू पीस में आते हैं और एक वन पीस में आते हैं। तो देखिए ये जो मेरे पास है ये टू पीस वाला बैग है, एक पीस प्लेट रहती है और ये बैग रहता है, ठीक है। और वन पीस वाले में क्या होता है कि ये इस तरह से जुड़ी हुई प्लेट आती है, तो ये वन पीस में रहता है। लेकिन ये मेरे पास टू पीस वाला है तो मैं आज इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। देखिए दोस्तों, ये तो एक प्लेट रहती है, तो इस प्लेट में ये नंबर्स पड़े रहते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे इस तरह से आपके नंबर, ये 25 नंबर, 32 नंबर, 38 नंबर, इस तरह से ये नंबर इस प्लेट पर पड़े हुए रहते हैं। तो इस नंबर जितना बड़ा आपका होल है स्टोमा का जो बनाया है डॉक्टर ने, उस होल के हिसाब से साइज कितना बड़ा है उसके हिसाब से कट करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो प्लेट रहती है, बाद में इस प्लेट को फिट करेंगे, मैं अभी आपको लास्ट में ही बताऊंगा कैसे फिट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि हमें स्टोमा बैग जो हमारा यहाँ में बैग लगाना है उस जगह को देखना है कि कितना बड़ा साइज है, उस साइज को नाप लेते हैं। और नापने के बाद, नापने के लिए हमारे पास एक स्प्रे से ये एक पेपर आता है, तो इस पेपर में ये होल दबे रहते हैं, देखिए आपको ये इस तरह से, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपका होल कितने, ये सब साइज लिखे हुए हैं इसमें, नंबर लिखे हुए हैं, देखिए सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आपका जितना बड़ा होल है आप इसके ऊपर इस तरह से रख करके, सपोज आपको ये वाला इतना बड़ा आपका स्टोमा का साइज है तो आप इस तरह से इसको आपने नाप लिया इतना बड़ा साइज है और इसके ऊपर इस तरह से रख करके और आप फिर इसका इस तरह से पेन से निशान लगा लेंगे, ठीक है। निशान लगाने के बाद आप उसको कैंची से इसके होल को इस तरह से उस साइज में काट लेंगे और फिर उस साइज में काटने के बाद आपको मैं भी आगे बताता हूं कि कैसे उसको लगाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जो पुराना स्ट्रोमा बैग लगा हुआ है हम इसको छुटाते हैं और देखिए इसको हमने गीला गौज लिया, गौज लेकर के उसको चारों तरफ से थोड़ा सा हमने गीला करके और धीरे धीरे इसको गीला करते हुए और फिर थोड़ा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इसको छुटाने की कोशिश करें और इस तरह से चारों तरफ से गीला करते हुए, या आप देख रहे होंगे पिक्चर में इस तरह से करते हुए हमने इसको हमने बिल्कुल अलग कर दिया। और इसके बाद इसको हम किसी भी एक पॉट में जो बेकार हो, डस्टबिन वगैरह में किसी में इसको डालते हैं और इस तरह से फिर हमने इसके ऊपर एक गौज रख दिया जिससे कि यूरिन बाहर न जाए, क्योंकि कई बार क्योंकि यूरिन के हमारे यूरेटर्स के कनेक्शन इसी से हो रहे हैं तो हमारा यूरिन इससे बहुत तेज बेहतर जा सकता है, इसलिए हमने गौज रख लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो मैंने आपको दिखाया था कि ये देखिए हम इससे होल का साइज ले रहे हैं, यानी कि हमें कितना बड़ा इस प्लेट में होल काटना है। तो हम देखते हैं कि हमें इतना कौन सा साइज फिट बैठा है। ये देख रहे होंगे कि आप ये वाला साइज जो हम देख रहे हैं ये साइज बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है ये हमने देख लिया, हमने ये वाला साइज हमारा जैसा फिट आया तो हमने इस प्लेट पर, आप देख रहे हैं फोटो में, आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसके ऊपर ये रख लिया और फिर हमने इसको पेन से निशान बना लेंगे, ठीक है। जहां भी इसका आ रहा है पेन से निशान बना लेंगे और पेन से निशान बना करके फिर हमने इसको कैंची से इस तरह से उस एरिया को जहां जहां पेन का मार्क बना हुआ है कैंची से सर्कुलर पोर्शन में काट लेंगे। धीरे धीरे बिल्कुल कोशिश करें कि गोलाई में ही कटे,
क्योंकि गोलाई में नहीं कटेगा तो यूरिन हो सकता है आपका इधर उधर जाएगा और बैग जल्दी निकलने के चांसेस हो जाएंगे। तो इस तरह से देखें, हमने ये पोर्शन बिल्कुल बीच का अलग कर दिया और बीच में ये गोल सर्कुलर पोर्शन रह गया। अब हमने इसको फिंगर घुमा करके इसको देखिए, अब इस तरह से हमने फिंगर घुमाया, फिंगर घुमा करके इसको बिल्कुल हमने स्मूथ बना दिया। ठीक है, अब क्या करना, अब नेक्स्ट स्टेप हम इसके आगे का बताते हैं। अब हमें जो है एक, हमने इस तरह से देखिए, आप ये एक गौज वगैरह या आप एक टिश्यू पेपर ले सकते हैं, ठीक है, या फिर गौज ले सकते हैं कोई इस तरह से पट्टी का बना करके, एक रोल टाइप का, या टिश्यू पेपर को उस गोल बना करके उसको बीच में टेप बना ले जिससे कि थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशन में रहे। और इस तरह से हम जहां पर भी वो जगह है उस जगह पर हम इस तरह से लंबाई में इसको रख लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूरिन का प्रेशर बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है और हमारे कपड़े और हमारे शरीर पर गिर सकता है। तो इसलिए हमने इस तरह से इसको लंबाई में रखा, ऊंचाई में इसको रख करके और पकड़ कर रखेंगे और फिर हम इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से हम इसको क्लीन करेंगे। और जो थोड़े बहुत हेयर आ गए हैं, है ना, कई बार बालों के थोड़े बहुत अगर आ जाते हैं रोई, तो अगर चाहते तो आप इनको साफ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमने ये देखिए थोड़ा सा इनको बालों को चारों तरफ से इनकी क्लीनिंग कर दिया। ठीक है, अब क्लीनिंग करने के बाद क्या करना है, आप इस पिक्चर को देखते रहिए ध्यान से। इसको फिर हमने एक फिटकरी ले लिया, क्योंकि फिटकरी बहुत अच्छा काम करती है। फिटकरी हमने ले करके इसको फिटकरी से अच्छी तरह से क्लीन किया। ठीक है, फिटकरी से क्या होगा कि हमारे को स्किन भी एक तो अच्छी साफ हो जाएगी और कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और कई बार स्किन में जो एलर्जी या खुजली सी इतने दिन ये बनी रहती है, प्लेट रहती है और यूरिन भी हमारा उससे टच होता रहता है, तो इस वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कई बार। तो इस फिटकरी लगाने से कोई ऐसी प्रॉब्लम अभी तक किसी पेशेंट पे नहीं देखी गई है। तो इस तरह से फिटकरी लगा करके अच्छी तरह से क्लीन चारों तरफ से लगा लगा करके हम भैया क्लीन किया है। ये देख रहे हैं आप, अच्छी तरह से रबिंग करें, इसमें आपको बहुत आराम भी मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत रैशेज या स्किन में खुजली या इन्फेक्शन होता है तो वो भी ठीक हो जाती है। और कई बार निकालने में किसी किसी को थोड़ा बहुत स्ट्रोमा से ब्लड आता है तो वो ब्लड को भी रोकने में हेल्प करती है। और ये आप देख रहे हैं कि हमने जो टिश्यू पेपर है इसी तरह से लगाए हुए रखा हुआ है जिससे कि यूरिन से हमारे कपड़े खराब ना हो, ना ही यूरिन इधर उधर फैले और जिससे कि कोई भी गंदगी या स्मेल आ सकती है। और अच्छी तरह से फिटकरी को लगाने के बाद अब क्या करना है कि अब इसके बाद एक पाउडर आता है, देखिए ओस्टोमी पाउडर आता है, ओस्टोमी पाउडर, इसको हम जो है चारों तरफ इसको छिड़क देंगे। और छिड़कने के बाद इसको देखें आप, इसको कॉटन से में चारों तरफ इसको गौर से फैला दिया है। इस पाउडर से एक तो आपको कोई भी स्किन में इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या किसी तरह की खुजली, ईचिंग, कोई बार देखा होगा कि आपने स्किन काली पड़ने लगती है तो वो स्किन को कालेपन से छुटकारा दिलाएगा, फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा। और अब उसके बाद एक ये हमने प्लेट ले लिया और देखिए आप प्लेट पर एक ट्यूब आती है, मतलब कि प्लेट को आप ऐसे भी लगा सकते हैं लेकिन ऐसे कई बार जल्दी निकल जाती है, लेकिन अच्छा अगर रिजल्ट चाहते हैं तो एक ये मैं यूज़ करवाता हूँ, ये कोलोप्लास्ट नाम से ये ट्यूब आती है। इस प्लेट पर एक किनारों किनारों पर चारों तरफ से ये इस तरह से हमने जो है देखा आपने, तो इस तरह से ये प्लेट हमने लगा दिया, प्लेट पर लगाया कोलोप्लास्ट का ऑइंटमेंट। और उसके बाद इसको जो है हमने ये जो होल है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से रख देंगे कि बिल्कुल फिक्स हो जाए और फिर इसको प्रेशर लगाएंगे। ये देखिए आप, इस तरह से प्रेशर लगाना है और इस तरह से लगा दिया। इस पर देखिए साइड में थोड़ा सा पेपर चिपका हुआ था, उस पेपर को हम ये हटा दिया, ठीक है, अब ये पेपर हटा दिया और इस पर हम इस पर प्रेशर लगाएंगे जिससे यूरिन, इसको अच्छी तरह से हम प्रेशर लगाएंगे जिससे कि हमारा बैग ये अच्छी तरह से चिपक जाए और यूरिन ना आए। इसके लिए हमने कोई भी गौर वगैरह ऊपर से रख लिया है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये जो बैग है हमने इस प्लेट पर देखिए हमने इस तरह से किस तरह से पहले नीचे की साइड से फिक्स करेंगे, ठीक है, जैसे कि ये है ना, ये आप देख रहे होंगे, इसको नीचे की साइड से फिक्स करते हुए लाएंगे और फिर हम इसको इस तरह से फिट कर देंगे। और लाएंगे ये ऊपर तक, फिर नीचे दबा दिया ऊपर, बीच में ऊपर, इस तरह से चारों तरफ से इसको प्रेस करके
ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और ये आपको दिखा दिया, ये पूरा देखिए सेट हो गया और ये यूरिन पास आउट के लिए है। इसमें नॉब घुमाने पर इस तरह से नॉब घुमा देंगे तो ये यूरिन बाहर निकालने के लिए हो गया, और इस तरह से कर देंगे तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, जब टैग भर जाए तो इसको घुमा करके इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में घुमा करके ये यूरिन सारा इस तरह से बाहर निकल जाएगा, और फिर इसको हम बंद कर देंगे तो अब यूरिन इस पर फिर दोबारा कलेक्ट होता रहेगा। भरने के बाद फिर दोबारा घुमा करके बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया इसके बारे में कि ये हमारा बैग अब स्टोमा बैग यूरिन का लग गया है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये अच्छी तरह को चलने में फिरने में काम करने में कंफर्टेबल हम महसूस करें तो उसके लिए ये बेल्ट आती है। देखिए स्टोमा बैग में इस तरह से बेल्ट लगा दी जाती है, तो ये आप देखें इस तरह से, ये आप देख रहे हैं बेल्ट कैसे लगा रहे हैं। इस तरह से इसमें एक कोना फंसा दिया और इस तरह से बेल्ट को घुमा करके, और ये देखिए इस तरह से फंसा दिया पूरा राउंड लेकर के, ये बेल्ट देखिए एक कोना फंसाया है, बेल्ट का एक कोना उधर फंसा दिया और एक कोना हमने इधर फंसा दिया दूसरी साइड में। ठीक है, तो अब ये बेल्ट हमारी लग गई है, उससे हम आराम से, इतनी जल्दी छूटने वाला नहीं है, बेल्ट लगाने से फिक्स हो जाएगा और हमको काम करने में हर चीज़ में हम आराम महसूस करेंगे, कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ये देखिए आप पूरा ये सही से लग चुका है, और इधर देखिए आप इधर से ये कोना इधर फंस गया है और इधर ये हुक फंस गया है इस साइड में। अब आप चलने में फिरने में इजीली आप कोई भी वर्क करें, आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना ही कोई आपको जज कर पाएगा कि आपको स्टोमा बैग लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि ये स्टोमा बैग कितने दिन में चेंज करना चाहिए। देखिए दोस्तों वैसे तो डिपेंड करता है कि आप कितने दिन चला लेते हैं, लेकिन आप अगर ठीक है आपका काफ़ी दिन चल भी रहा है लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि एक हफ्ते के अंदर इसको बदल लें, मैक्सिमम एक हफ्ता, ठीक है ना, बल्कि 5 दिन में भी आप बदल लें तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक लगे रहने पर कई बार इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा अब बात करते हैं कि ये बैग कहाँ मिलते हैं। देखिए दोस्तों ये बैग आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, अमेजॉन वगैरह फ्लिपकार्ट जो भी ऑनलाइन वाली साइट हैं हर साइट पर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे सस्ते कहाँ मिलेंगे। देखिए दोस्तों सस्ते बैग के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में एक कैंसर डिपार्टमेंट जो है न्यू बिल्डिंग जिसे कहते हैं, वहाँ पर एक इन स्टोमा बैग के लिए एक उन्होंने शॉप खुली हुई है जहाँ पर वो काफ़ी कम रेट में, यानी लगभग आधे रेट से के आसपास ही समझिए, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी मार्केट से काफ़ी कम रेट में आपको वहाँ से मिल सकते हैं। वहाँ एक कार्ड बनता है, आपका कार्ड बनने के बाद आपको मेंबरशिप मिल जाती है और वहाँ से फिर आप बहुत सस्ते रेट में ये बैग ले सकते हैं। तो दोस्तों अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी है या आप किसी और बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो बनाकर दूंगा। और दोस्तों आपको मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे जो भी पेशेंट्स इस परेशानी से जूझ रहे हैं वो भी इसके बारे में जान सकें कि सस्ते बैग कहाँ मिलेंगे और बैग कैसे पर ले जाते हैं। और दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।